दिवाली के शुभ अवसर पर एक ऐसी खबर लेके आया हूँ, झारखंड के विधायक और सरकारी अधिकारी बम बम हो जाएंगे। क्यों कह रहा हूँ कि बम बम हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि झारखंड का एक विधानसभा है जहाँ पर सरकारी अधिकारी और विधायक गणों को 41% कमीशन मिलने लगा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोमिया के विधायक आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो कह रहे हैं। जरा आप सुनिए, अभी ललपनिया में क्या हो रहा है, टीटीपीएस में 41% कमीशन चल रहा है। पूरे झारखंड में, पूरे देश में कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां 41% कमीशन चलता है। और ये 41% कमीशन कहां जा रहा है, ये उनको सार्वजनिक करना चाहिए जो दूध का धोया हुआ। तो पूरा हाजिर करके पूरा ललपनिया में पूरा बाप भाई चाचा ससुर मामा ससुर बेटा सबके नाम पर वहाँ वेंडर को ढोके सब। खबर जरूर पुरानी है लेकिन खबर बहुत मजेदार है। जहाँ तक पूरे झारखंड में जब भी चर्चाएं होती है तो ये जरूर चर्चा होती है कि जमीन लूट में बाहरी लोग आकर जमीन को लूट रहे हैं, आदिवासियों के जमीन को लूट रहे हैं। लेकिन यहाँ बाहर के लोग ही नहीं, यहाँ के धरती पुत्र भी इसमें शामिल है, पूर्व विधायक भी शामिल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लंबोदर महतो कह रहे हैं। हम लोग काम कर भोसेस को धवैया में अपने बाप और भाई के नाम पर जमीन बंदोबस्त का पेपर तैयार करके 20 एकड़ से ज्यादा जमीन करा सभा से ही बना है, जो अपने बाप और भाई के नाम पर जो यहाँ आदि धवैया का गरीब आदिवासी का जमीन, धवैया का जमीन धवैया के लोगों का होगा ना, ये जोगिंदर महतो के बाप और उसके भाई का जमीन होगा। आखिर गोमिया के शालीन विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो अचानक इस तरह क्यों नाराज हो गए अपने पूर्व विधायक से? दो नेता है, एक हमारे बगल के नेता और एक यहाँ के नेता। ये लोगों को खाना उना पछता नहीं जब तक हम लोग का नाम नहीं लेता। हम तो बोलते हैं कि उतना बड़ा मर्द है, उतना बड़ा अगर मर्द है तो रामगढ़ से विधानसभा चुनाव कहाँ लड़ता है। अरबों की योजना स्वीकृत है, अरबों की योजनाओं पर काम चल रहा है, तो ये जो अंधा है काला चश्मा पहनता है ना, काला चश्मा से थोड़ी दिखाई पड़ेगा, वो तो अंधा है, काला चश्मा में और अंधा हो गया है, उसको दिखाई थोड़ी बात करता है। गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने जब पूर्व विधायक योगेंद्र महतो पे आरोप की जरी लगाई तो योगेंद्र महतो कहां खामोश रहते। योगेंद्र महतो भी इस जंग में कूद पड़े और उन्होंने जो पोल पट्टी खोली उसके बाद तो झारखंड में मानो हड़कंप भी मच गया। विधायक वो है कि हम है, पहली बार सांसद और विधायक दोनों वो है, और वह कमीशन खोरी का बात करेंगे जो कमीशन खोरी का गंगोत्री है। कमीशन खोरी में अथाह सागर में गोता लगा चुके हैं। आज कमीशन खोरी का ही प्रतीक है, उसी का परिणाम है कि आज रांची में बड़े बड़े आलिशान बंगले, आज पारी में जितने महतो लोग वहां के महतो समाज के लोग जमीन मजबूरी में बेचते हैं, खरीदार कौन? लंबोदर महतो। सिंहपुर में अगर आज वर्तमान में आप देख लीजिए, सिंहपुर में जमीन खरीदे हैं 10-12 एकड़ आज उसी कमीशन खोरी का पैसा से। आज बगियारी में सैकड़ों बगियारी में कई एकड़ जमीन खरीदे हैं उसी कमीशन खोरी के पैसा से। आज खैरा चादर में जमीन खरीदे हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं, खैरा चादर में अभी किसी का घर खरीदे हैं वो भी कमीशन खोरी के पैसा से। उसके बाद पेटरवार में लेपो में कई एकड़ जमीन खरीदे हैं वह भी कमीशन खोरी के पैसा से ही खरीदे हैं। चंद्रपुरा में घर बनाए हैं वो किस पैसा से बनाए हैं वह बताएं। और महुआ टाण में भी जमीन लिए हैं, चतरोचट्टी में भी जमीन लिए हैं। कमीशन खोरी का नंगा नाच, कैसे एक पूर्व अधिकारी विधायक बनने के बाद जमीन पर जमीन और कई तरह के काम पर अपने कमीशन के पैसे लगाता रहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोमिया के पूर्व विधायक जोगेंद्र महतो अपने आरोप के जवाब में जवाब देते नजर आ रहे हैं। जो जिस समय थे उस समय सब लोग सर्वविदित थे, पूरा राज्य की जनता और पूरे सभी पदाधिकारी और कर्मी जानते हैं कि कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है और कौन कमीशन खोरी करता था। आज विधायक है तब भी आज एक एक संवेदक को पूछिए, जितने संवेदक किस बोकारो जिला में काम करते हैं कि किस कदर वो कमीशन खोरी लेते हैं, और जब तक कमीशन का पैसा उन तक नहीं पहुँचता है तब तक योजनाओं का शिलान्यास भी नहीं कर। जोगेंद्र महतो यहाँ नहीं रुके, जोगेंद्र महतो गोमिया के जो विधायक है लंबोदर महतो उन पे लगातार शिक्षा माफिया बनने का भी आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अपने विधायक फंड से करोड़ों रुपया किताब के नाम पर उन्होंने गोमिया में बांटा है, जिसमें एक मोटी रकम कमीशन के रूप में लिया है।
शिक्षा के नाम पर, शैक्षणिक व्यवस्था बच्चों को पढ़ाने के नाम पर विधायक मत से किताब भी बेचने का काम करें। किताब बेचे हम सराहना करते हैं, लेकिन वह जनरल नॉलेज की किताब जिसको खुले बाजार में 50 रुपया में मिलता है और विधायक मत से उसी किताब को 600-500 रुपया प्रिंट करवा करके प्लस टू और हाई स्कूलों में बेचे हैं और कहते हैं विधायक जी कहते हैं कि मैं यहाँ के लोग। विधायक योगेंद्र महतो ने जब बोलना शुरू किया तो आरोपों की जो एक तरह से बाढ़ ला दिया, शिक्षा जमीन स्कूल और कई तरह के मामले के आरोप उन्होंने तड़ातड़ लगाने शुरू कर दिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व विधायक गोमिया के जोगेंद्र महतो जी। चरित्र का जिस चरित्र को अपना चरित्र को स्थापित जिस रूप से किए हैं, हमको चोर बोले हैं, शिक्षा मंत्री को उल्लू बोले हैं, अंधा बोले हैं, रावण बोले हैं, बताइए एक विधायक को इस तरह का अमर्यादित भाषा प्रयोग करना चाहिए? इनका असल चरित्र यही है। अपने आप को कहते हैं कि पढ़ा लिखा, हम तो उस पर भी सवाल कई बार आप लोग से भी किए हैं। जब गोमिया की जनता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता से यह साबित और गोमिया की जनता इस बात का आकलन कर सकती है कि कहीं से भी यह पढ़ा लिखा नहीं है, फर्जी डिग्रीधारी है। मैं बार बार कहता हूँ इनके पास फर्जी डिग्री है, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, पीएचडी किया हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित करता है कि सही में आपके पास फर्जी डिग्री है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आप देखेंगे चुनाव 2018 के चुनाव के नॉमिनेशन में या 2019 में जब वो नॉमिनेशन नामांकन फॉर्म भरे हैं तो उसमें केवल साइन करते हैं लंबोदर महतो, एफिडेविट दिए हैं केवल लंबोदर महतो के नाम पर। इलेक्शन कमीशन उनको अगर सर्टिफिकेट दिया तो वह भी केवल लंबोदर महतो के नाम पर। और विधानसभा में जब शपथ ग्रहण दिलाया है उनको, स्पीकर महोदय शपथ ग्रहण दिलाए हैं, तो वह भी केवल लंबोदर महतो के नाम पर। और लेटर पेड में जनता को देखभरवित करने के लिए लिख रहे हैं डॉक्टर लंबोदर महतो। भाई आप चुनाव आयोग में स्पीकर साहब आपको शपथ ग्रहण में इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट दिया, उसमें कहीं जिक्र डॉक्टर का नहीं, इसलिए हमने कहा फर्जी डिग्रीधारी। और यह साबित हो चुका है उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनका चरित्र, इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता किस तरह से है। ये लोकतंत्र के और लोकतंत्र की परिभाषा को यह तार तार करने का काम किया।